मेरे प्यारे छात्रों, फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड के द्वारा सामाजिक विज्ञान का जो पेपर वायरल किया गया है, इस पेपर का आप हल जरूर देख के 7 मार्च के दिन जाएं। आपके बोर्ड के एग्जाम में 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान में जो मैक्सिमम सवाल होगा, इसी आदर्श प्रश्न पत्र में से आने वाला है। तो आप वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। आपको सभी प्रश्नों का आंसर बताएंगे और मानचित्र वाले जो सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों का भी आपको उत्तर बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप फ्रेंड्स वीडियो को स्किप 1 सेकंड के लिए मत कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें। देखिए ये आपका जो पूर्णांक रहेगा आपका टोटल 70 नंबर का होने वाला है और समय जो रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का संपूर्ण समय रहता है। ये आप देख सकते हैं कि कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का एक प्रकार का आदर्श प्रश्न पत्र है। देखिए यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए जाते हैं, इस निर्देश के बारे में आप पहले से जान लीजिए जिससे बोर्ड के एग्जाम में किसी दूसरे से आपको पूछने की जरूरत न पड़े। पहला निर्देश देखिए, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश है कि आपको 15 मिनट जो रहता है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए समय दिया जाता है। फिर इसके बाद अगले निर्देश को देखते हैं। देखिए आपका अगला निर्देश कि 2 खंडों में यह प्रश्न पत्र विभाजित होगा, अ और ब में। देखिए जो खंड अ होगा उसमें 20 अंक का बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा जिसका उत्तर आप सभी को OMR शीट पर देना रहता है। अगला निर्देश को ध्यान से पढ़िए कि OMR शीट एक बार यदि आप भर देते हैं तो उस पर आपको काटना नहीं है, न इरेजर न व्हाइटनर आदि का प्रयोग कदापि नहीं करना रहता है। अगला निर्देश देख लीजिए आप, खंड ब जो होता है उसमें 50 अंक के वर्णात्मक फर्स्ट, वर्णात्मक सेकेंड और इसके साथ में मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला निर्देश यहाँ पे देखिए, फिर इसके बाद आपको प्रश्न कराएंगे कि दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना है। फिर इसके बाद आपका निर्देश है कि दृष्टिबाधित जो परीक्षार्थी है जिसको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, ऐसे छात्रों को मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। ये इसके कुछ सामान्य निर्देश थे। अब चलिए आप सभी को प्रश्न का आंसर बताते हैं और देखिए आपको फिर बता दें, यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं अदब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इन प्रश्नों को छोड़ के मत जाइएगा। देखिए खंड अ जिसमें 20 अंक का बहुविकल्पी प्रश्न पहले देखा जाएगा। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न में जो पहला प्रश्न है इसको एकदम याद रखिएगा कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ था। देखिए प्रत्येक जो होता है एक एक नंबर का होता है। आप कमेंट में यह बताइएगा कि 20 प्रश्न जो है, इस 20 प्रश्न बहुविकल्पी में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था सर्वप्रथम जो आपका हुआ था फ्रांस देश से हुआ था, तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही होगा। इसे आप अभी याद कर लीजिए कि राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ है सर्वप्रथम फ्रांस देश से हुआ है। अगला प्रश्न देखिए आप, ड्यूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है। तो देखिए इसमें जो सबसे खतरनाक दुश्मन माना गया था, यह माना गया था जूसेफ मेसिनी को। इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए आपका सूती, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी थी। ऑप्शन दिया है जॉन राइट, रिचर्ड आर्कराइट, एंड्रू कार्नेगी या जेम्स वाट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सूती कपड़ा मिल की जो रूपरेखा रखी थी वो रखे थे रिचर्ड आर्कराइटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, रिचर्ड आर्कराइटर। ठीक है, तो आप बी वाला ऑप्शन इसको सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई, इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या हुआ था, तो ऑप्शन है कीमतों का गिरना, कीमतों का बढ़ना, कीमतों का स्थिर रहना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा, कीमतों का गिरना, यानी कि गेहूं की 50% तक गिर गई। इसका मुख्य कारण था कि उसकी कीमत क्या हुआ था, कि उसकी कीमत में गिरावट आ गई थी। ठीक है,
तो आप अ वाला ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न देखिए आप, पांचवा नंबर का, 1948 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी। तो गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी, देखिए आपका इसके सामने ऑप्शन है जेन आयर, रमोना, हार्ट केटी, डिट या बाइबिल। देखिए यहाँ पे इसका सही जवाब द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्यों नहीं, अरे 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने जो बाइबिल नामक पुस्तक को छापी थी। इस प्रश्न का सही जवाब द वाला ऑप्शन सही कीजिएगा। अगला प्रश्न, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। जो बेल्जियम समुदाय है उसमें सरकार का चुनाव कौन करता है, देखिए इसका सही जवाब अ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। कौन करते हैं, एक ही भाषा बोलने वाले लोग। अगला प्रश्न देखिए सातवां नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है कठोर एवं लिखित संविधान होना चाहिए, शक्तियों का केंद्रीकरण, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन या सर्वोच्च न्यायालय। देखिए यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कठोर एवं लिखित संविधान। तो यहाँ पे कौन नहीं है, तो कठोर एवं लिखित संविधान नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए आप, आठवां नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक असमानता को बढ़ावा देने के कारण नहीं है। अलैंगिक जो मतलब यहाँ पे लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण कौन सा इसमें से नहीं है, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ऑप्शन है, तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका सीधे सीधे हो जाएगा ब वाला, जैविक बनावट। इसके अलावा श्रम का लैंगिक विभाजन हुआ, समाज का पितृ प्रधान होना, महिलाओं में साक्षरता दर की कमी, ये लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने के कारण है। जबकि जैविक जो बनावट होता है ये लैंगिक असमानता को बढ़ावा नहीं देता है। अगला प्रश्न देखिए आप नौ नंबर का, सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है। तो सांप्रदायिकता की समस्या जो होती है प्रारंभ कहाँ से होती है, तो देखिए यहाँ पे आप डी वाला ऑप्शन सही है आपका, पढ़िए कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाती है। इस प्रश्न का सही जवाब ब वाला हो जाएगा, सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है, तो द वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय नहीं है। यहाँ पे नहीं शब्द पूछा है, देखिए यहाँ पे सही जवाब स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षा। शिक्षा जो होता है आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जबकि इसके अलावा जैसे प्रतिरक्षा हुआ, मुद्रा हुआ, विदेशी मामला हुआ, ये सभी संघीय सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या देखा जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा कि गहन खेती। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, अ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण गहन खेती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर की, इसको तो हम इम्पोर्टेंट कर लीजिए, या मानचित्र में भी सवाल पूछता है, बहुविकल्पी रूप दोनों के रूपों में ये पूछता है सवाल, तो इसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि इधर क दिया है, यहाँ पे संख्या दे, इन दोनों का आपस में मिलान करना है। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा आपको बता देते हैं कि भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पर है, तो सतलुज नदी पर है, यानी कि क का तीसरा सही है। तो ऑप्शन देखिए क का कौन सा है, तो क का आपका तीसरा ये दिया है, और स वाला दो ऑप्शन मिल रहा है आपका पहले अभी, ठीक है। इसके अलावा देखिए हीरा कुंड बांध कहाँ पे है, तो हीरा कुंड बांध जो है था आपका नदी महानदी पर है, इसका मतलब ख का चौथा है। तो ख का चौथा देखिए, तो इसका मतलब आपका यहाँ से आंसर निकल गया, स वाला ऑप्शन सही होगा, क का तीसरा, ख का चौथा, इसी में बस मिल रहा हो, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन इसके अलावा आपको जो प्रश्न बता रहे इसको याद रखिए, सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है, नर्मदा नदी पर, याद रखिए। टिहरी बांध जो है आपका भागीरथी नदी पर है। तो देखिए इस प्रश्न को जो बताएं, जैसे भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, तो आपका सतलुज नदी पर है। हीराकुंड बांध कहाँ पे है, तो महानदी पर। सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है, तो नर्मदा नदी पर। टिहरी बांध कहाँ पे है, भागीरथी नदी पर। इन चारों प्रश्नों को आप जरूर लिख के याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका है 13 नंबर का, कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप इसमें से बताना है, कि जो क्रियाकलाप है इसमें प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप कौन सा नहीं है। जैसे मछली का पकड़ना, कृषि, गुड़ बनाना, डेयरी बनाना, तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पे आपका जैसे मछली का पकड़ना आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत इसे नहीं रखा गया है, और गुड़ बनाना
ये प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है, जबकि कृषि हुआ और डेयरी हुआ ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्या आता है आपका? तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो नहीं में कौन सा है? क वाला सही है और आपका ग वाला सही है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप जो होता है मछली पकड़ना और गुड़ बनाना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न देखिए आप 14 नंबर का, कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो ये तो प्रश्न एकदम आप सभी को रटा गया होगा कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो ये वर्गीकृत किया गया है उद्यम का स्वामित्व के आधार पर। अगला प्रश्न 15 नंबर का, कि भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? आपको बताना है कि भूक्षरण से क्या तात्पर्य है, तो इसका मतलब होता है भूमि का अनुपजाऊ होना। तो इस प्रश्न का सही जवाब ओ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भूक्षरण से जो तात्पर्य है भूमि का अनुपजाऊ होना होता है। अगला प्रश्न 16 नंबर का देखिए, कि मगरमच्छ, गैंडा और काला हिरण किस जाति में नहीं आते हैं? आपको बताना है कि जैसे मगरमच्छ हो गया, गैंडा हो गया और काला हिरण हो गया, किस जाति के अंतर्गत नहीं आते हैं? मतलब नहीं पूछा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका संकटग्रस्त जाति के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? यहाँ पे अवरोधकों का लक्षण नहीं पूछा है, तो ऑप्शन को पूरे ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा कि सरकार विदेशी व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार और अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। तो इसका सही जवाब यह ठीक है ऑप्शन अभी। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयोजित होनी चाहिए, यह भी ऑप्शन सही है। विश्व व्यापार संगठन व्यापार और अवरोधकों को बढ़ावा देता है, ये एकदम गलत बात है ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स वाला। यहाँ पे नहीं पूछा है तो नहीं का जवाब नहीं वाला होना चाहिए, तो स वाला देखिए कह रहा है विश्व व्यापार संगठन व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा देता है, जो कि ऐसा कुछ नहीं होता है। द वाला भी देख लीजिए, अधिकतर देश व्यापार और उद्योगों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए करते हैं, ये सही बात है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका सही जवाब 17 को हो जाएगा, स ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर देखिए, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा होता है? तो सबसे अधिक विकास का लक्ष्य क्या होता है आपका? यहाँ पे ऑप्शन देखिए, आपका स वाला ऑप्शन ध्यान दीजिएगा कि अधिक मजदूरी देना। तो भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य क्या होगा? उनके अधिक से अधिक मजदूरी जब मिलेगा तो अपने विकास की ओर अग्रसर होंगे। 19 नंबर का देखिए प्रश्न, आप निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परंपरागत मतलब होता है जो परंपरा से चली आ रही है, यहाँ पे पूछा है कि नहीं है, तो भूतापीय ऊर्जा जो होता है आपका परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसका सही जो ब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको परंपरागत और अपरंपरागत ऊर्जा का जो स्रोत है बहुत डिटेल में बताया है, अभी तक नहीं पढ़े हैं तो उसे आप जरूर जाके पढ़ें। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर का, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? यदि यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, सही बात है। दम बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत की विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण की हुआ, ये भी एकदम करेक्ट है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, तीनों ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब द वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिए, द वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ से खंड ब, और खंड ब में क्या होता है, 50 अंक के आपके वर्णात्मक प्रश्न होंगे। अब देखिए पहला स्टार्ट होता है वर्णात्मक फर्स्ट, वर्णात्मक जो फर्स्ट होगा वो प्रत्येक क्वेश्चन जितने रहेंगे आपके चार चार नंबर के रहेंगे। यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपको बता रहे हैं इन सभी प्रश्नों को आप जरूर एक बार देख लीजिए और देख के ही बोर्ड के एग्जाम में जाइएगा। देखिए पहला प्रश्न आपको क्या देखना है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाले महामंदी के कारण, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों को जितने भी प्रश्न बता रहे हैं इन प्रश्नों को आप जरूर एक बार देख के प्रश्न को तैयार करके बोर्ड के एग्जाम में जाइएगा। देखिए सभी प्रश्न कितने नंबर के हैं, आपके चार चार नंबर के होने वाले हैं। इसके अलावा अथवा में देखिए ये भी प्रश्न को आपको तैयार करना है कि 1928 से 1934 के मध्य होने वाले महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दो प्रभावों का व्याख्या करना है, टोटल चार नंबर का। इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कीजिए। दूसरा नंबर, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की कारण सहित पुष्टि कीजिए, चार नंबर का प्रश्न है, इसे भी आप तैयार कर लीजिए। अगला देखिए अथवा में,
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति में राजनीति, राजनीति में जाति क्या होता है, इस कथन की आपको व्याख्या करना है। ये भी आपके चार नंबर का प्रश्न रहने वाला है। अगला प्रश्न देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इन प्रश्नों को बता देते हैं, आप इन प्रश्नों को देख लीजिए। आपको मानचित्र वाले जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको लिख के बताएंगे, ठीक है। लेकिन इन प्रश्नों को आप देख लीजिए। केवल आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके दो कारण लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी, ये भी आपके चार नंबर के प्रश्न रहते हैं। फिर इसके वाला अथवा में देखिए, परिवहन तथा संचार के माध्यम, संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों मानी जाती है, कारण बताना है आपको, ये भी आपके चार नंबर है। अगला सवाल, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करती है, किन दो का उल्लेख आपको करना है। टोटल चार नंबर के प्रश्न है। यहाँ पे अथवा में भी एक प्रश्न देता रहता है कि अच्छे बाजार के किन दो लक्षणों का उल्लेख कीजिए। ये सभी चार चार नंबर के प्रश्न रहते हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी प्रश्न अभी तक बताए सभी आपके चार नंबर के प्रश्न थे। इन सभी प्रश्नों को एक बार सिर्फ देख लीजिए, आपको प्रश्न याद हो जाएगा। देखिए वर्णनात्मक सेकंड जो आपको 150 शब्दों में लिखना रहेगा, और प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा आपका 6 नंबर का होने वाला है। देखिए यहाँ पे, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, किन दो कारणों को लिखिए, इसे इन्होंने स्थगित क्यों किया। असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था, आप सभी को इसके बारे में डिटेल में बताया है कि असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया था, स्थगित क्यों किया गया था, ये सभी कारण आप एक बार पढ़ के जाइएगा। ये टोटल 6 नंबर का प्रश्न है। अगला अथवा देखिए, सत्याग्रह का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले किन दो सत्याग्रह आंदोलन का उल्लेख करना है, ये टोटल 6 नंबर का प्रश्न है। साथ में अगला देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इनके किन चार कार्यों का उल्लेख करना है, टोटल ये 6 नंबर का प्रश्न है। अथवा में देखिए, जितने भी प्रश्न है आप एक बार देख लीजिए, फिर इसके बाद मानचित्र वाले सवाल आप सभी को बताते हैं। लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वैध शासन की व्यवस्था देता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए, टोटल 6 नंबर। अगला देखिए, मृदा अपरदन या भू क्षरण, इन दोनों प्रश्नों को आप जरूर पढ़ के जाइएगा, आपका 100% बोर्ड के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन मिलने वाला है। मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाले दो प्रभाव का वर्णन कीजिए, टोटल ये आपका 6 नंबर का रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए, अथवा में भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए, इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है, किन दो का उल्लेख कीजिए, टोटल 6 नंबर का प्रश्न रहता है। अगला प्रश्न देखिए आपका, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, इसके तीन कारण आपको बताना है। इस प्रश्न के भी साथ में खुला देख लीजिए, मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास को नापने वाले प्रमुख आयोग का वर्णन कीजिए, टोटल ये 6 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, लघु दीर्घ उत्तरी प्रश्न आप सभी को पता है, उन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। अब चलिए हमको मानचित्र से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी को बता देते हैं, ठीक है। देखिए मानचित्र से संबंधित प्रश्न है 9 है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र चिन्हों द्वारा नाम सही दर्शाना है, सही नाम और सही अंकन के लिए आपको 1/2 1/2 अर्थात एक प्रश्न जो रहेगा आपका 1 नंबर का रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क वाला, वह नगर जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो देखिए ये प्रश्न आपको कई बार करा चुके हैं, आपको इसका आंसर बताते हैं। देखिए इस प्रश्न का आपका आंसर क्या होगा कि वह नगर जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये हुआ था आपका अमृतसर में। कहाँ पे? अमृतसर। देखिए यहाँ पे अमृतसर होगा ना, यहाँ पे एक बार लिख के फिर से साफ से बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे आप याद रखिएगा, अमृतसर, अमृतसर, ठीक है। अमृतसर पता कहाँ पे है? तो पंजाब में, आप याद रखिएगा। अगला देखिए, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, तो दूसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? डांडी, ठीक है। और डांडी कहाँ पे पड़ता है आपका? तो गुजरात में पड़ता है, आप इसे याद रखिएगा। तो देखिए अमृतसर आपका पंजाब में हो गया, डांडी कहाँ पे हो गया? गुजरात में। ग वाला देखिए, तीसरा नंबर का, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब तीसरा का क्या हो जाएगा आपका? तो नील की खेती के बारे में जब भी कहेगा तो आप लगाइएगा अहमदाबाद। कहां पे लगाएंगे? यहां पे ध्यान दीजिएगा आप, यहां पे क्या कहा है आपसे? नील की खेती ना,
यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कहा आपसे, नील की खेती। तो नील की खेती आपको कहाँ से उत्पन्न हुआ था, ये हुआ था चंपारण बिहार से ना, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, चंपारण बिहार यानी चंपारण से हुआ था नील की खेती, ठीक है। और ये कहाँ पे है आपका, तो बिहार में है। अगला देखिए, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, देखिए ये घ का ऑप्शन आपका अहमदाबाद होगा ना, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, ये अहमदाबाद याद रखिएगा, अहमदाबाद। और अहमदाबाद है कहाँ पे, अहमदाबाद पड़ता है आपका गुजरात में, तो इसे याद रखिएगा गुजरात में, ठीक है। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, यहाँ पे आप जब आंसर दीजिएगा तो यहाँ पे सन को देखते हुए ध्यान से दीजिएगा, जब दिसंबर 1920 का आएगा तो इसका आंसर होगा कि नागपुर में, कहाँ पे, नागपुर। और नागपुर आपका कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। और जब सितंबर, यहाँ पे दिसंबर की जगह पे यदि सितंबर देता, सितंबर 1920, तो उसका कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था आपका कलकत्ता में हुआ था। इसके अलावा यदि सन चेंज कर देता और कहता को 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो 1927 में पूछता तो बताते कि मद्रास में। इसके साथ में 1929 देता और पूछता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा कि लाहौर में। ये सभी जो आपका सवाल है और मानचित्र से जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल है आपको पिछले क्लासों में करा चुके हैं, आप उसको देख लीजिए। आप कुछ समय के बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन लाएंगे, उन सभी क्वेश्चनों का आप एक बार देख लीजिएगा। आपके सभी क्वेश्चन उन क्वेश्चन के बाहर नहीं जाने वाला है, इतना सटीक क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। अगला देखिए मानचित्र। अब यहाँ पे देखिए पहला है कि पश्चिम बंगाल के एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखना है, तो पश्चिम बंगाल के एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम आप यहाँ पे लिख लीजिए और इसे याद रखिए। पश्चिम बंगाल में जो पड़ता है सुंदरवन, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, क्या याद रखेंगे, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा, ठीक है। नर्मदा नदी पर बना बांध, नर्मदा नदी पर तभी आपको बताए कि नर्मदा नदी पर क्या याद रखेंगे, सरदार सरोवर बांध, क्या याद रखेंगे, सरदार सरोवर बांध याद रखिएगा, सरदार सरोवर बांध याद रखिएगा। तो पहले का हो गया सुंदरवन राष्ट्रीय याद रखेंगे, और अगला याद रखें नर्मदा नदी पर बना हुआ सरदार सरोवर बांध, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। महानदी चिन्ह द्वारा आपको दिखाना है, तो महानदी कहाँ पे पड़ता है ये पता रहेगा तभी तो आप दिखाएंगे। तो महानदी पड़ता है आपका उड़ीसा में, तो आप उड़ीसा जो राज्य है उसमें महानदी को इस चिन्ह के द्वारा बस दिखा दीजिएगा। झारखंड के एक कोयला क्षेत्र का नाम, तो झारखंड के एक कोयला जो क्षेत्र होता है वो होता है आपका झरिया, और इसको मानचित्र पे, ये जितने भी सवाल आप सभी को बता रहे हैं सब मानचित्र पे आप सभी को पढ़ा चुके हैं, अभी इसके पिछले वाले क्लास में भी देखेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन चिन्ह द्वारा दिखाना है, तो भारत के पूर्वी तट पर जो एक पत्तन है वो आप दिखा सकते हैं कोच्ची, कोच्ची पत्तन को, ठीक है। तो ये था आपके सभी मानचित्र से संबंधित प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ प्रश्न देता है, जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं, जिन छात्रों को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, उनको मानचित्र से संबंधित प्रश्न नहीं करना रहता है, सिर्फ उनको केवल व केवल उत्तर लिखना रहता है। तो इन प्रश्नों का उत्तर अभी आपको ऊपर बताए हैं, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।